दिव्यांग युवती से एक नाबालिग युवक ने किया दुष्कर्म, मामला पहुंचा महिला थाना, पुलिस ने आरोपी नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर हीरापुर के रहने वाली एक दिव्यांग लड़की के परिजनों ने महिला थाने में लिखित आवेदन देकर एक नाबालिग युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता के परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन पर महिला थाना ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, साथ ही पीड़िता का 164 का बयान दर्ज करवाया गया, जिसके बाद महिला थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में धनबाद महिला थाने के प्रभारी विशाखा कुमारी ने बताया कि दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे जेल भेज दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि 2 दिन पहले लिखित आवेदन मिली थी, जिसके बाद 18 फरवरी को मामला दर्ज कर दिव्यांग लड़की का 164 का बयान दर्ज के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। एक डीफ एंड डम महिला है, लड़की है, वो उनका उनके साथ रेप हुआ है और एक जिस बच्चे के ऊपर आरोप लगाया गया है वो बच्चा भी नाबालिग है। मामला यही है, लड़की के रेप से संबंधित मामला है जिसमें अभी जांच किया जा रहा है। लड़की का जो मेडिकल जांच है या 164 का बयान है वो करवाया जा रहा है। नहीं, अभी बच्चे को जेल नहीं भेजा गया है,